भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और मैं हूँ आपके साथ राकेश। आज जी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जी आरएसपुरा के हैं जी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसे मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा, आज उसी के सिलसिले में जे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हमारे बीच में ऋतिक हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले सत्यलकीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। क्या कार्यक्रम आज का? राकेश जी, हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरसपुरा ने NSS यूनिट में जैसे कि मोदी जी ने घर घर तिरंगे का जो निकाला है प्रस्ताव, उसमें दर्शाते हुए उसको आज एक अवेयरनेस रैली निकाली है तिरंगे झंडे हाथ में लेकर, और हमारे जो सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सहयोग दिया इसमें, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का जिन्होंने हमको परमिशन दी इस कार्य के लिए, और अपनी मैम का जिन्होंने हमको सपोर्ट किया इस कार्य के लिए। तो जैसे कि हर घर तिरंगे का तो मोटिव निकल ही चुका है, लोगों को इसके बारे में अवेयर भी रहना पड़ेगा कि जो तिरंगा झंडा है हमारे देश की पहचान है, शान है, और हमें इसको अपने घर में अपने मोहल्ले में लगाना चाहिए जो हमारे देश का एक प्रतीक है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं आरसपुरा से, ये डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया है कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा ये लहरा रहे हैं, आज उसके सिलसिले में इन्होंने अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका तह दिल से बात प्रकट किया है। इस समय हमारे बीच में और भी बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या कार्यक्रम आज का? हमारा कॉलेज GDC आरसपुरा हमारा कॉलेज है, यहाँ पर हमने आज जो है अवेयरनेस कैंपेन निकाला है 15 अगस्त के रिकॉर्डिंग, जो कि है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बोला हुआ है कि मतलब उन्होंने एक आश्वासन दिया है लोगों को कि हमें घर घर तिरंगा लगाना चाहिए। घर घर तिरंगा लगाने से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त तक, हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ये हमारे लिए क्या मतलब प्रिडिक्ट करता है, लोगों के लिए जो अदर नेशंस के लिए क्या हमारे नेशन को सिम्बलाइज करता है, इसकी जो ट्राई कलर्स हैं इनके क्या अपने अपने सिम्बलाइजेशन हैं, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने ये कैंपेन निकाला है हमारे कॉलेज की तरफ से NSS ने डिपार्टमेंट ने कि हमें लोगों को अवेयर करना है तिरंगे से रिलेटेड, हमें उनको बताना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इसको कैसे रखना चाहिए, ये नहीं है कि हमें सिर्फ 15 अगस्त तक, नेक्स्ट आगे भी हमें इसका ध्यान रखना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर युवाओं में और डिग्री कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर जोश है, तो इन्होंने पूरे विस्तार से हम लोगों को बताया है कि इनका क्या मंशा है। ये जानते हैं, ये जो आप जो रैली निकाल रहे हैं ये आज निकली गई या सर? एक्चुअली हमारे जो कॉलेज है, हमारा NSS डिपार्टमेंट है, वो हर तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता ही है। अभी बेसिकली जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो हमने इसके रिलेटेड रैली निकाली है, ऐसे हम अपनी डेली डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये जो आरसपुरा के जितने भी शॉपकीपर्स हैं, क्या आप इनको एक एक तिरंगा देंगे इनको? सर हम ही तो फिलहाल तो अवेयर ही कर रहे हैं, हमें रैली स्टार्ट ही करी है, जब हम इंटरेक्ट करेंगे उनको बताएंगे और उनको हम जो शॉर्ट फ्लैग्स हैं वो देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यलकी चैनल साथ आप जुड़े हो। आप देख रहे हो जी आरसपुरा से तस्वीरें देख रहे हो, जहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे विस्तार से आपको बताया कि इनकी जो रैली है डिग्री कॉलेज से शुरू होकर आज ये पूरे बाजार के अंदर जो है ये जा रही है, और मैं खासतौर पर इन युवाओं को बड़ा बड़ा शुक्रिया करूँगा जो आज सत्यलकी चैनल के साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं सत्यलकी ताज़ी अपडेट्स।